लगता हूँ शाम को थका टूटता बदन लेकर लड़खड़ाते कदमों से अपने घर जब आता हूँ। शाम को थका टूटता बदन लेकर लड़खड़ाते कदमों से अपने घर जब आता हूँ, कुछ फरिश्ते आंगन में मुझको घेर लेते हैं, कुछ फरिश्ते आंगन में मुझको घेर लेते हैं। गोद में उठाकर मैं उनको झूम जाता हूँ और एक परी बैठकर अपनी धुल्फ का साया मुझ पे डाल देती है। आके उसके साये में मैं सुकून पाता और फिर मसाफत का दर्द भूल जाता। आप देख रहे हैं मीडिया स्टार। हवलदार सलीमुद्दीन आमिर शेगांव के किताब के उज्र के मौके पे एक उर्दू अदबी नशीस का शेगांव में इनेकाद किया गया। उनके किताब का इजरा अब्दुल जब्बार सेठ साहब एक्स वाइस प्रेसिडेंट नगर परिषद शेगांव के दस्त मुबारक से किया गया। इस नशीस का सदर लतीफ़ अहमद सानी मुंबई, कन्वीनर अनीस अहमद शौक शेगांव साहब रहे। इस नशीस की निजामत मोइन अदीब अलीमी ने की। इस अदबी नशीस के बुलढाने के आसपास के ज़िले के सभी शोरा ने शिरकत देखकर इस अदबी नशीस को कामयाब बनाया। आपने अगर से हमारे इस मीडिया स्टार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकॉन के सिंबल को क्लिक करके आप हमारे नोटिफिकेशन अपने मोबाइल के अंदर सबसे पहले पाए। मेहमान शोरा को देना चाहता था लेकिन भाई अदीब अलीमी के हुक्म पर बहुत ही इख्तिसार के साथ हजरत एक नज़्म और आप लोगों को खुदूसी तौर पर सुनानी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे कबल एक मतलब दो शेर, मतलब यूँ कहा है कि इस जामे बुलंदी ने कहीं का नहीं रखा, इस जामे बुलंदी ने जमी का नहीं रखा, शोहरत की हवाओं ने कहीं का नहीं रखा। और मिट्टी के घरौंदों पे बड़ा नाश था तुझको, एक रात की बारिश ने कहीं का नहीं रखा। मैं भी ना हुआ तेरे गुमानों के मुताबिक, तूने भी भरम मेरे यकी का नहीं रखा। और हाँ कह के कभी उसने निभाया नहीं वादा, हमने भी कभी पास नहीं का नहीं रखा। एक नज्म बतौर खास इसका उनवान है साया। देखिए आज़ाद नज्म है, नज्म मौर्रा के। ज़िस्त की मसाफत भी कितनी सख्त होती है, इस सफर में रोजाना एक सहरा आता है। रेत के समुंदर में आग उगलते रस्तों पर रोज चलना पड़ता है। रोज चलना पड़ता है। इस सफर की सख्ती में मेरे जलते तलवों के आबले ये कहते हैं दो घड़ी ठहर जाओ। इस सफर की सख्ती में मेरे जलते तलवों के आबले ये कहते हैं दो घड़ी ठहर जाओ, पर जरूरतें मेरी कब ठहरने देती है। जहन में ठहरने का जब ख्याल आता है, सामने निगाहों के अक्स कुछ उभरते हैं और फिर अचानक मैं तेज चलने लगता हूँ। जहन में ठहरने का जब ख्याल आता है, सामने निगाहों के अक्स कुछ उभरते हैं और फिर अचानक मैं तेज चलने लगता हूँ। शाम को थका टूटता बदन लेकर लड़खड़ाते कदमों से अपने घर जब आता हूँ। कुछ फरिश्ते आंगन में मुझको घेर लेते हैं। गोद में उठाकर मैं उनको झूम जाता हूँ और एक परी बैठकर अपनी धुल्फ का साया मुझ पे डाल देती है। आके उसके साये में मैं सुकून पाता और फिर मसाफत का दर्द भूल जाता हूँ।